1 यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या ट्रेन को आप देख सकते हैं जो कि प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे लगी हुई है। और ये देखिए इस ट्रेन का जो है खुल चुकी है और यहाँ पे इसमें भीड़ देखिए, ये ट्रेन जो है ये कोल अब जो अपनी ट्रेन जो है अब अपनी ट्रेन जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के मणिकपुर जंक्शन में पहुंच चुकी है। अपनी ट्रेन जो है 22911 शिप्रा एक्सप्रेस। और अगर इस ट्रेन की अभी बात करूं तो अपनी ट्रेन जो है मणिकपुर जंक्शन जो है करीब आधे घंटे बिफोर पहुंच चुकी है। तो अपनी ट्रेन जो है ये देखिए यहाँ का वेटिंग एरिया आपको दिखा दूँ, ये जो है मणिकपुर जंक्शन का वेटिंग लॉन्ज है। आप देख सकते हैं यात्रियों के बैठने की जगह आपको दिखा दूँ, ये ट्रेन जो है आधे घंटे बिफोर पहुंच गई, यानी पहले पहुंच गई आधे घंटे, नियत समय से आधे घंटे पहले पहुंच चुकी है। और मणिकपुर जंक्शन की बात करूं तो ये जो है उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है ये ट्रेन। और ये जो है प्रयागराज डिवीजन के अंतर्गत है ये जो रेलवे स्टेशन है मणिकपुर जंक्शन जो है। और देख सकते हैं ये अपनी ट्रेन है और ये रही मणिकपुर जंक्शन। तो देख सकते हैं अपनी ट्रेन जो है मणिकपुर जंक्शन से खुल चुकी है, ऑन टाइम खुली है, 30 मिनट बिफोर पहुंची थी। और अपनी ट्रेन जो है उसको मैनेज करके एकदम अपने नियत समय से यहां से खुली है। और यहां जो है इस ट्रेन का समय है दोपहर के 2:55 में। अपनी ट्रेन जो है अब प्रयागराज छोंकी पहुंच चुकी है और ये ट्रेन जो है प्रयागराज छोंकी अपने नियत समय से ही पहुंची है। और अगर इस स्टेशन की बात करूं तो अब हम जो है MP छोड़ के अब UP में आ चुके हैं। और ये जो स्टेशन है इसका स्टेशन कोड जो है PCOI है। और अगर आप प्रयागराज आएंगे तो प्रयागराज जो कि इससे पहले इस स्टेशन का नाम इलाहाबाद था, फिर उसके बाद उसको जो है चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो अगर आप इस स्थान पर आएंगे तो यहाँ से आप कुंभ का शाही स्नान जो है वो बहुत फेमस है, प्रयागराज का जो नदी है गंगा जमुना सरस्वती जो संगम है वो आप यहीं आएंगे तभी आपको प्राप्त होंगे वो जगह जो है घूमने को। और भी बहुत कुछ है यहाँ, आप जब आएंगे तो घूम सकेंगे। और ये देखिए ये जो है प्रयागराज जंक्शन का सीन है, आप देख सकते हैं। और ये रही अपनी ट्रेन जो है 22911 शिप्रा एक्सप्रेस जो कि इंदौर से चल के हावड़ा तक जाती है, ये रही अपनी ट्रेन। और ये रहा प्रयागराज जंक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है दो भैया बैठे हुए हैं, एक IRCTC के कैटरिंग स्टाफ है आप देख सकते हैं, और एक और भैया जो बैठे हैं वो ट्रेवल पैसेंजर है। तो देख सकते हैं आप लोग, और ये रही अपनी ट्रेन। और भी IRCTC के जो लोग हैं वो सब उतरे हुए हैं, स्टाफ जो है। यहाँ पे पेंट्री कार नहीं है इस ट्रेन में जो है, इस ट्रेन में पेंट्री कार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ जो है साइड पेंट्री है इस ट्रेन में इंदौर से हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस में। तो इसमें जो है जो फूड जो है फूड आपको बाहर स्टेशन से अंदर दिया जाता है, उसके बाद जो है यात्रियों को प्रोवाइड किया जाता है। और इस ट्रेन में जो है खाना खुद नहीं बनाया जाता है, इसलिए इसको जो है साइड पेंट्री बोलते हैं। अब जो है अपनी ट्रेन जो है मिर्जापुर आ चुकी है, मिर्जापुर यानी आप मिर्जापुर देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ मिर्जापुर। और इस जगह को सुन के, इस नाम को सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा, मिर्जापुर यानी कि ये जो नाम है ये OTT के लिए जो वेब सीरीज था आप नाम सुन चुके होंगे मिर्जापुर, जो कि काफ़ी हिट हुआ था, वो इसी जगह के नाम से लिया गया था। और ये देखिए मिर्जापुर जंक्शन है और अपनी ट्रेन जो है यहाँ भी जो है अपने नियत समय से ही आई है मिर्जापुर में। और अपनी ट्रेन जो है काफ़ी अच्छी तरह चल रही है 22911 शिप्रा एक्सप्रेस। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये आपको स्टेशन जो बहुत ज़्यादा ही नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा, यहाँ की आपको मैं दिखा दूँ और मिर्जापुर आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये रहा मिर्जापुर। और
तो अपनी ट्रेन जो है आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है पहुंच चुकी है, और ये जो देख सकते हैं आधे पार्ट्स में लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा बना हुआ आप देख सकते हैं, जबकि ये बहुत ही बड़ा जंक्शन है। ये पटना न्यू दिल्ली का जो है मेन रोड है, ये देख सकते हैं पानी के स्टॉल पे ट्रेन उधर की रुकी है, कितनी ज्यादा भीड़ लग चुकी है आप देख सकते हैं। तो देखिए वहाँ पे पानी के वहाँ पे देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, और ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की बात हो रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, और ये देखिए टीटी लोग का जो शिफ्ट है वो शिफ्ट चेंज हो चुका है, अब नए टीटी जो है इस रेल पे चढ़ेंगे। ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे लग चुकी है, और अगर इस ट्रेन की बात करूँ, इस स्टेशन की बात करूँ, तो ये जो स्टेशन है ये इस सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और ये स्टेशन जो है, पहले इस स्टेशन का नाम मुगल सराय जंक्शन था जिसका स्टेशन कोड MDS था, लेकिन अब इसे जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि DDU इसे कर दिया गया है। और ये जो है ये जो न्यू दिल्ली और पटना का जो ये मुख्य पथ है, कोलकाता और हावड़ा का भी ये मुख्य पथ है, जो कोई भी ट्रेन जाती है तो यहीं से जो है रोटेशन लेती है। तो ये हम आ चुके हैं, और ये जो है अब हम लोग यूपी के बॉर्डर के नज़दीक आ चुके हैं। ये भी जो है मुगल सराय जो है यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है ये यूपी में ही आता है, तो अब हम लोग जो है यूपी अब एंड होने वाली है, इसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे बिहार में प्रवेश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा जो है रश है आप देख सकते हैं, और ये बहुत बड़ी जो है जंक्शन पॉइंट है ये जो है, तो आप देख सकते हैं जो कि प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे लगी हुई है। और ये देखिए इस ट्रेन का जो है खुल चुकी है, और यहाँ पे इसमें भीड़ देखिए, ये ट्रेन जो है ये कोलकाता अमृतसर एक्सप्रेस है, और इसमें देखिए भीड़ देखिए आप जो है अंदर में स्लीपर क्लास का भी हाल आप देख सकते हैं, और देखिए सेकेंड क्लास को तो आप देख ही सकते हैं कितना लोग दौड़ रहे हैं कैसे ट्रेन पकड़ने के लिए। अब अपनी ट्रेन जो है भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है, और ये जो भभुआ रोड स्टेशन है रेलवे स्टेशन ये बिहार के अंतर्गत आता है, और अपनी जो ट्रेन है यहाँ भी अपने नियत समय से ही आई है। और भभुआ रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ का स्टेशन कोड BBU है, भभुआ रेलवे स्टेशन। और तो ये रहा भभुआ रोड रेलवे स्टेशन, केवल 2 मिनट रुकने के बाद जो है अपनी ट्रेन जो है भभुआ रोड रेलवे स्टेशन खुल चुकी है, और देख सकते हैं ये रहा भभुआ रोड रेलवे स्टेशन। अब जो अपनी ट्रेन जो है 22911 शिप्रा एक्सप्रेस सासाराम रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है, और सासाराम की बात करें तो ये बिहार में स्थित है सासाराम जंक्शन, और यहाँ जो है यहाँ भी अपनी ट्रेन जो है टाइम पे आई है। और अगर सासाराम की बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड SSM है, और ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये सासाराम जंक्शन है आप देख सकते हैं सासाराम। तो चलिए अपनी ट्रेन जो है खुल चुकी है, तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। तो अपनी ट्रेन जो है केवल 2 से 3 मिनट रुकने के बाद जो है सासाराम जंक्शन से खुल चुकी है, और ये देखिए ये सासाराम, तो देख सकते हैं सासाराम जंक्शन से। अब जो है अपनी ट्रेन जो है गया जंक्शन पहुंच चुकी है, और ये रही गया जंक्शन। और गया जंक्शन की बात करूं तो यहाँ जो अपनी ट्रेन जो है 22911 शिप्रा एक्सप्रेस बिल्कुल नियत समय से पहुंची है, और अपनी ट्रेन जो है लगातार अपने
नियत समय को जो है बनाए हुए हैं। तो देख सकते हैं ये रहा गया जंक्शन, और गया जंक्शन की बात करूं तो इसका स्टेशन कोड जो है GAYA गया ही है, और ट्रेन जो है गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे उतारी है, और चित्रा एक्सप्रेस से जो है बहुत सारे लोग जो है बोर्डिंग और डिबोर्डिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी बच रहे लगभग रात के 11:30 बजे, तो देख सकते हैं। अपनी ट्रेन जो है हावड़ा जंक्शन से, सॉरी गया जंक्शन से जो अपनी ट्रेन जो है खुल चुकी है, और केवल 5 मिनट रुकने के बाद ही अपनी ट्रेन जो है गया जंक्शन से खुल चुकी है। ट्रेन जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन दुर्गापुर जंक्शन पहुंच रही है, आप देख सकते हैं। जो है अब दुर्गापुर जंक्शन से खुल भी चुकी है, हम लोग उतर चुके हैं, डिबोर्ड हो चुके हैं, तो ये देख सकते हैं पीछे। तो ये रहा दुर्गापुर जंक्शन, आपको दिखा दूं। दुर्गापुर जंक्शन देख सकते हैं, ये दुर्गापुर के बाहर मैं आ चुका हूं आपके सामने, और ये देखिए ये पीछे का लुक है। यहाँ जो है कोयले मोटिवेटिव लगी हुई है, पुरानी लोकोमोटिव इंजन पीछे रखी हुई है, और ये देखिए ये आगे जो है टैक्सी स्टैंड है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा जर्नी 22911 इंदौर हावड़ा सिप्रा एक्सप्रेस की जर्नी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और मैं हूँ गौतम और आप देख रहे थे अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल रेल न्यूज एंड ब्लॉग्स। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड सी यू।